दोस्तों देर से ही सही, आखिर मैंने नेटफ्लिक्स की कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी सीरीज देख ली है और आज मैं पर्टिकुलरली इसके एपिसोड 4 के बारे में बात करूंगा क्योंकि इसके एपिसोड 4 ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है। प्रिडिक्टेबल सा लगने वाला एपिसोड बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वे में एंड हुआ, जो देखकर समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर दुखी। लिटरली इस एपिसोड ने मेरे होश उड़ा दिए। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग, अगर आपने कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज का एपिसोड 4 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए और फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो दोस्तों इस एपिसोड में मुझे लगा कि जब स्टेसी अपने ऊपर वो क्रीम लगाएगी तब उसके बॉडी पर कोई रिएक्शन होगा जिससे वो मॉन्स्टर जैसी दिखने लगेगी या फिर मॉन्स्टर ही बन जाएगी, क्योंकि इस सीरीज के पिछले सभी एपिसोड में हमें कोई न कोई मॉन्स्टर या क्रिएचर देखने को मिला था, इसलिए इस एपिसोड में भी मुझे कुछ ऐसा ही देखने की उम्मीद थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हुआ वो जिसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि सच में स्टेसी वो क्रीम लगाकर खूबसूरत बन जाएगी, जो देखकर मैं बहुत सरप्राइज हुआ। लेकिन इससे भी ज्यादा सरप्राइज मैं तब हुआ जब स्टेसी ने अपने हस्बैंड को जान से मार डाला। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्टेसी अपने इतने अच्छे इतने लविंग हस्बैंड को, जो बार बार इसका मनोबल बढ़ाता कि तुम में कुछ भी गलत नहीं है, तुम जैसी भी हो मेरे लिए काफी खूबसूरत हो, इतने सपोर्टिव और केयरिंग हस्बैंड को ये आखिर कैसे मार सकती है, और फिर मारने पर इसे कोई अफसोस भी नहीं हो रहा है। मुझे तो ये देखकर ही बहुत अफसोस हो रहा था उसके टू गुड हस्बैंड के लिए। हालांकि दोस्तों एपिसोड के नजरिए से ऐसा होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, स्टेसी का हस्बैंड जिंदा रहता तो फिर ये बहुत ही नॉर्मल सा एपिसोड हो जाता जिसमें कोई हॉरर होता ही नहीं। तो स्टेसी का अपने हस्बैंड को मारने से क्या हुआ कि इस एपिसोड को एक हॉरर टच मिल गया। खैर दोस्तों जैसे ही स्टेसी ने अपने हस्बैंड को मारा वैसे ही मैं इससे नफरत करने लगा और फिर मैं बस यही चाह रहा था कि कब पुलिस आए और इसे पकड़े ताकि इसे रियलाइज हो कि आखिर इसने क्या कांड किया है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा सभी चीजें इसके लिए अच्छी होने लगी। ये सच में खूबसूरत बन गई, बिंदास बाहर निकलकर लोगों को अपनी खूबसूरती का दर्शन कराने लगी और आखिर में इसके अजीब से एक्सप्रेशन वाले स्माइल के साथ ये एपिसोड एंड हो गया। दोस्तों ये स्माइल वाला सीन थोड़े से लंबे समय तक दिखाया गया है, जिसे देखकर मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि शायद ये असली वाली स्टेसी नहीं है, ये क्रीम वाली स्टेसी है। लेकिन फिर मैंने कहा कि क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस स्टेसी ने अपने हस्बैंड को मारा था वो असली स्टेसी थी, और जब असली स्टेसी इतनी बुरी निकल गई तो फिर क्रीम वाली स्टेसी की बात ही छोड़ दो। कुल मिलाकर मुझे एपिसोड सबसे ज़्यादा पसंद आया, इसने मुझे सरप्राइज किया वो सभी चीज़ें दिखाकर जो देखने की मुझे ना के बराबर उम्मीद थी। जैसे क्रीम लगाकर स्टेसी सच में खूबसूरत बन जाएगी इसकी तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, और बात करें इसके हस्बैंड की डेथ की तो मुझे इसकी उम्मीद थी लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से इसमें दिखाया गया है। दोस्तों एक और छोटी सी चीज़ है जिसने मुझे सरप्राइज किया था, स्टेसी के दोस्तों ने जब उसे पहली बार अपनी क्रिसमस की पार्टी में बुलाया, मुझे लगा कि उन्होंने उसे पार्टी में इसलिए बुलाया है ताकि वो लोग उसके लुक को लेकर उसका मजाक उड़ा सके, उसे नीचा दिखाकर अपने आप को ऊपर दिखा सके, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो देखकर मैं काफी सरप्राइज हुआ और साथ ही मुझे खुशी भी हुई कि चलो ये लोग इतने भी गिरे हुए नहीं हैं। भले ही ये लोग पीठ पीछे लोगों की बुराई कर रहे हों लेकिन कम से कम किसी के सामने ही तो उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। इस एपिसोड में कोई बुरा था तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेसी ही थी।